इंडिया टीवी आपकी आवाज। पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा, सुबह शाम मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अब किया तो किया क्यों, किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखे, इंतजार करे, मोदी कुछ कर रहे बैठे। उसी प्रकार से हमारे पायलट, जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई 28 तारीख को, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया। तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। और वो तो, और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। और इसलिए उनको लगा कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते बजते मामला बदल गया, उनकी बाजी उलट गई। अब ये मैं हैरान हूं जी, जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों का आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं, और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए।